हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में स्थित डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी हर साल की तरह इस साल भी फलदार पौधे बागवानों को उपलब्ध करवाएगा। इस साल वैज्ञानिकों द्वारा फसलों की विभिन्न किस्मों के करीब 84,000 पौधे नौणी विश्वविद्यालय में तैयार किए गए हैं, जो कि विश्वविद्यालय परिसर में बागवानों को उपलब्ध होंगे। इन पौधों की बिक्री विश्वविद्यालय परिसर में 2 जनवरी से आरंभ की जाएगी और सभी पौधे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचे जाएंगे। जिन फलदार पौधों की बिक्री होगी उनमें सेब, कीवी, पलम, खुरमानी, आड़ू, अखरोट, चेरी, अनार, नेक्टेरियन, परसिमन, नाशपाती आदि शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में स्थित विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों में 62,000 पौधे तैयार किए गए हैं, जो बागवानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच एस शर्मा ने बताया कि पौधों की बिक्री विश्वविद्यालय परिसर में 2 जनवरी से आरंभ होगी और सभी पौधे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचे जाएंगे। जिन फलदार पौधों की बिक्री होगी उनमें हिमाचल में होने वाले सभी फल शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में स्थित विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों में भी बागवानों को पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जितने भी हमारे फलों वाली फसलें हैं उनका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो 2 जनवरी और उसके आगे वाले आने दिनों में किसानों को मुहैया कराएगा। ये पौधे जो हैं किसानों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय में नौणी में जो हमारे पास कोई 84,000 के करीब पौधे हैं, इसमें से बहुत सारे पौधे जो हैं वो सेब, कीवी, पोमग्रेनेट, एप्रिकॉट, पीच, नेक्टरिन, चेरी, वॉलनट, पीकन नट, पोमग्रेनेट, पियर, प्लम और आलमंड के हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पौधों की गुणवत्ता बाकी जगहों से अच्छी होती है, फिर 2 तारीख को आकर के अपने इस मॉडल फार्म में, फ्रूट साइंस में और सीड साइंस में जहां जहां भी ये पौधे मिलते हैं वहां पर आके लाइन में लग करके उनको जितना भी ये प्लांटिंग मटेरियल यूनिवर्सिटी के पास होता है ये मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे कंडा घाट है, ताबो है, कल्पा है, चंबा है, और यहाँ पे भी जो पौधे डेवलप किए गए हैं वो भी किसानों को इन जगहों से उन रीजन्स के लिए जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये कृषि विज्ञान केंद्र और जो रीजनल रिसर्च स्टेशन हैं इनके पास कोई 62,000 पौधे विकसित किए गए हैं।